Students, today in English grammar we will study lesson number 10 and our lesson number 10 is transitive and intransitive verb. बच्चों आज English grammar में अपन lesson number 10 करेंगे और अपना lesson number 10 है transitive and intransitive verb. Verb का मतलब तो आपको पता ही होगा बच्चों कि verb का मतलब होता है क्रिया. अब transitive verb कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया. और intransitive verb कौन सी होती है? असकर्मक क्रिया. अब सकर्मक और असकर्मक को पढ़ने से पहले अपन किस चीज की बात करेंगे? वर्ब की. कि वर्ब क्या है? वर्ब आर आल्सो नोन एज डूइंग वर्ब. दे टेल अस व्हाट ए पर्सन एनिमल और थिंग डज. जो क्रिया होती है उसको अपन और क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ब्स. मतलब जो करते शब्द होते हैं उनको अपन वह भी बोल सकते हैं. दे टेल अस वो अपन को क्या बताते हैं? व्हाट ए पर्सन एनिमल और थिंग्स डज. कि एक पर्सन एनिमल और थिंग्स क्या कर रहे हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको आप पढ़िए. फर्स्ट सेंटेंस का सेंटेंस है आपका हु इज नॉकिंग एट द डोर. कि दरवाजे पे कौन खटखट कर रहा है. सेकंड वी आर फ्लाइंग काइट्स. हम पतंग उड़ा रहे हैं. थर्ड लेट द डॉग चेस द कैट. द हाइलाइटेड वर्ड Express action. So they are doing verb. They tell us about the action of the subject. बच्चों जो highlighted word है, highlighted word कौन से है? जो pink, जो तीनों sentence अपन ने पढ़े हैं उसमें जो pink color के जो words हैं, knocking, flying और chess, ये क्या है? ये highlighted word है. ये जो sentence है इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो कैसे हो रही है और वो लोग क्या कर रहे हैं. वो जो भी action है मतलब उस समय का जो भी प्रक्रिया है ये उसको बता रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. बच्चों वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांसिटिव. सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में. द वर्ब यूज्ड विथ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब. ऐसी क्रिया जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. दीज वर्ब रिक्वायर मोर वर्ड. और इस क्रिया के लिए बहुत से वर्ड्स होते हैं. द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑन विच द वर्ब इज एक्टिंग टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. मतलब यह जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं और यह जो मीनिंग होता है उस सेंटेंस का तभी निकलता है जब इसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल आई फाइंड ए बंच ऑफ की. मैंने क्या पाई? बहुत सारा जो की है उनकी बंचेस. बंच का मतलब पता है बच्चों आपको? बंच का मतलब होता है गुच्छा. सेकेंड है यू कैन टेक माई पेंसिल. आप मेरी पेंसिल ले सकते हो. आई टॉक टू माई फ्रेंड. मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ. प्लीज ब्रिंग द कॉफ़ी. मतलब क्या आप मुझे कॉफ़ी देंगे? शी लर्न सिंगिंग एंड डांसिंग. वह क्या सीख रही है? सिंगिंग और डांसिंग. द हाईलाइटेड वर्ड आर मेकिंग सेंस बाई एडिंग मोर वर्ड्स. जो हाईलाइटेड वर्ड है इसमें, अब हाईलाइटेड कौन से वर्ड्स हैं इसके अंदर? फाइंड टेक टॉक ब्रिंग और लर्न्स. ये क्या है? इनके कुछ ना कुछ सेंस निकल रहा है, मतलब निकल रहा है बाय एडिंग मोर वर्ड. जब अपन ने कुछ और शब्दों को इसमें यूज़ किया तब इन शब्दों का क्या निकल रहा है? मीनिंग निकल रहा है एक. इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब. द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांसिटिव वर्ब. ऐसी क्रिया जो ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज नहीं होती अपन उसे क्या बोलेंगे? इनट्रांसिटिव वर्ब. मतलब असकर्मक क्रिया. फॉर एग्जाम्पल आई फील अमेजिंग. द डॉग रन. राहुल इज सिंगिंग. द ट्रेन अराइव्स. इन द अबव सेंटेंस द यूज्ड वर्ब मेक कंप्लीट सेंस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट्स थस दे आर इनट्रांसिटिव वर्ब. ये जितने भी अपन ने सेंटेंस पढ़े हैं इसमें जो क्रिया है वो खुद ही एक अपना सेंस, जो सेंटेंस का जो मतलब है वो निकाल रही है. इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. थस दे आर इनट्रांजिटिव वर्ब. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कौन सी क्रिया बोलते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब. मतलब असकर्मक क्रिया. तो बच्चों आज अपन ने लेसन नंबर 10 का
पार्ट पढ़ा है और अपना लेसन नंबर 10 था ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब।